एक हम सबको खदशा यह है कि जो इस वक्त गवादर का फायदा सारे पाकिस्तान को होगा वो ये गवादर कनेक्ट हो रहा है सारी सेंट्रल एशिया तक। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं बड़े अच्छे अच्छे ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान में भी जा रहा हूं उज्बेकिस्तान, तो वो सारे अब इंटरेस्टेड हैं कि गवादर के जरिए वो, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है, वो ऊपर से यहां से अपनी प्रोडक्ट्स गुजार रहे हैं और इसको इस्तेमाल करें गवादर को। सिर्फ अब एक ये हम सबको कि अफगानिस्तान में अमन हो, और सारी हमारी कोशिशें हैं हमारी गवर्नमेंट की, मैंने भी ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहां पोलिटिकल सेटलमेंट हो, वहां इंतशार ना हो, वहां सिविल वॉर ना हो, और अफगानिस्तान को तो खैर सबसे ज्यादा नुकसान होगा और वो आगे 40 साल से उस मुल्क में इंतशार है। नेबर्स को भी होगा, रेफ्यूजीज के अलावा जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से, वो सब मुतासर हो जाएंगी। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के लिए हमारी पूरी कोशिश है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी ना किसी तरह तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहां, बजाय ये कि वहां ये सिविल वॉर चलती रहे।